आप ऐसा कोई क्राइटेरिया बता सकते हैं स्क्रीनर पे कि जो जो बिल्कुल ही बेयर मिनिमम है कि होना ही होना चाहिए, वेदर इट इज फाइनेंस कंपनी, वेदर इट इज स्टॉक, कोई कोई भी स्टॉक है, कोई भी सेक्टर की कंपनी है, कि भाई प्रॉफिट प्रॉफिट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं हमें बेसिक ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट एनालाइज करने की जरूरत होती है। एक मतलब कंपनी को एनालाइज करना एक ऐसा पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव बताना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिवली मतलब कि ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये बताना बहुत मुश्किल है। पूरी कंपनी को देखना होती है कि क्या बुक वैल्यू की अपॉर्चुनिटी है, अगर है थम्स अप, अगर नहीं है क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है किस स्केल पे है, क्या रिटर्न कैपिटल 15% से ऊपर है, 30% है बहुत ही अच्छी बात है, क्या लोन है, अगर लोन है तो अगर इवन अगर 20% के आसपास भेजा जाए इसमें 28% है कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर मैं लक्ष्य इंडस्ट्रीज के नीचे भी जाऊं यहाँ पे तो कंपनी के पास जो है लोन है बोरोइंग थे 300 करोड़ रुपए की, और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट बेसिकली हाँ कंपनी के पास बेसिकली 40 करोड़ रुपए का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल भी काफी है, तो इफेक्टिव नेट डेट बन जाता है वो 20% से बेसिकली 20% से कम हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करना कि सिर्फ ये देखो सिर्फ ये वो बहुत मुश्किल है। मेरी ढेर सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देखो, किस तरीके से मैंने ढेर सारे डाउट सेशन में कंपनीज को एनालाइज करता हूँ उस तरीके से देखो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी मैं कि क्या क्या चीजों पे मेरी ज्यादा नजर जाती है।